वेलकम टू माय चैनल फिर से। सो एक नई ट्रिप, इस बार जा रहा हूँ मुक्तेश्वर। तो लास्ट मंथ मेघालय ट्रिप हुआ था, आपने देखा ही होगा वीडियो में सारा। तो अब एक नया एडवेंचर, नया ट्रिप, एंड इस बार सीधा दिल्ली से ही बाइक पे ही सीधा बाइक रेंटल्स पे लिया है एंड ये से सीधा जाना है। एंड इस बार या थोड़ा सा चेंज है प्लान में, मैं अकेला नहीं हूँ इस बार, मेरे साथ है एक और बंदा। तो ये मेरा ग्रेजुएशन बड़ी है, ये एमपी से आए सीधा, एमपी से डायरेक्ट यहाँ पे दिल्ली आया, अब दिल्ली से मेरे साथ जा रहा है। तो मैंने इसको एक बार बोला कि भाई ट्रिप पे जाना है, तो आ रहा है नहीं, इसने बोला मैं आ रहा हूँ तो जल्दी, चाहे कितना भी प्रॉब्लम हुई इसे, मतलब अरेंजमेंट करना पड़ा इसे, पर ये बंदा सीधा मिला मुझे और मुझसे पहले यहाँ पर खड़ा हुआ था। तो अभी आई एम हियर एट साकेत, तो यहाँ से हमें रेंटल्स पे बाइक लेना है एंड देन फिर निकलना है यहाँ से। तो अभी रास्ते में चलते हुए आई अपडेट यू, एंड अभी रास्ता आई मीन यहाँ से अराउंड 7.5 आवर्स दूर है यहाँ से, जो मेन स्टॉप है अपना पहला स्टॉप, एंड विल सी अराउंड 350 किलोमीटर्स जर्नी होगी अभी आजाज में। तो अभी साकेत से निकले थे, कि पहला पेट्रोल स्टेशन सो फुल खड़ा है अपना, कि हार्ट बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी निकल पड़े फिर यहाँ से सीधा। तो अभी तो ये बाइक चला रहा है अपना, तो डिसाइड यही किया है कि ये थोड़े थोड़े डिस्टेंस तो बदलते रहेंगे। तो पहले ये चला रहा है, फिर थोड़े टाइम पे मैं ले लेता हूँ, एंड इससे क्या होगा, प्रॉब्लम भी नहीं होगा, दोनों को सेफली अपना हो जाएगा राइड, एंड यही एवेंजर्स बाइक है। अभी अक्षरधाम होते हुए मेरठ हाईवे हमने पकड़ा है, तो इधर से ही निकलना है आगे। तो अभी निकलते हैं, सीधा स्टेट रोड है, मस्त हाईवे है। तो भाई अपना वीडियो बना रहा है पीछे बैठा हुआ, मैंने बोला अब तू पीछे बैठ थोड़ी थोड़े टाइम, मुझे आने दे लाइन पे। तो अभी टाइम हुआ है 12:30, एंड वहाँ से चलने के बाद हापुर क्रॉस करते हुए अभी हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था यहाँ पे एन रूट, तो रोड साइड ही है यहाँ पे, बट इट्स अ नाइस प्लेस। सो यहाँ पे अभी रुके, मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था ना मैंने ना भाई ने, तो दोनों ने ब्रेकफास्ट किया और अभी निकल रहे थे यहाँ से। तो अभी टाइम हुआ है 12:30 और अभी रास्ता यहाँ से अराउंड अप्रोच 5.5 आवर्स की जर्नी हो रहा है। तो होपफुली ट्राई, अभी आई मीन प्लान तो यही है कि अभी 12:30 हो गए तो शाम को 5-6 बजे तक पहुँच जाए, ऑब्वियसली अंधेरा तो हो ही जाना है, कोई आज कोई प्लेसेस नहीं देख पाएंगे वहाँ पे, डायरेक्टली अपना जहाँ पे अपना स्टे है वहाँ पे जाना होगा। तो विल सी टुमारो मॉर्निंग में जल्दी निकलेंगे फिर वहाँ से, जितने भी प्लेसेस वी नीड टू कवर। सो अभी सो आई विल शो यू द लोकेशन। तो अभी ये जो रेस्टोरेंट था यहाँ पे एन रूट, सी दिस इज़ द मेन हॉल, मतलब मेन रेस्टोरेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे सो ये अपनी बाइक सब रेडी है, निकलते हैं बस अभी। Thank you.
यूपी का फेज खत्म, यूपी हमने पीछे छोड़ दिया, अभी वी जस्ट एंटर इनटू द यूके इन उत्तराखंड। यहाँ पे आते ही क्लाइमेट में एकदम चेंज फील हो गया, ठंड ठंड है यहाँ, मतलब वहाँ पे तो इतना गर्मी थी यार, पूरा दिन हमने ट्रेवल किया है, बहुत ही गर्मी थी यार, इतनी तेज़ धूप, तो ऐसा था, बहुत बुरी हालत थी। बट यार अभी क्या इवनिंग हो रहा है, टाइम हो गया अराउंड इट्स 4:20 एंड अभी यहाँ से 78 किलोमीटर्स और है अपना जो स्टे है, तो हमारा स्टे है दी हॉस्टल मुक्तेश्वर। तो चल रहे हैं, अभी भाई चला रहा है, अभी मैं बैठा हूँ पीछे। अभी जाके ये पता चला कि हाँ माउंटेन्स में जा रहे हैं थोड़ा, वरना अभी तो ये था यार हम कहाँ पर घूम रहे हैं, इतना देर हो गई है, हम यूपी से बाहर ही नहीं जा पा रहे यार, प्लेन रोड पे चलते जा रहे हैं। पूरा जाम लगा हुआ, इतना इतना ट्रैफिक, इतने आई मीन सारे टूरिस्ट ही होंगे ऑलमोस्ट, तो HP दिल्ली UK नंबर कार्स है, टूरिस्ट कार्स है यहाँ पे, सो माइट भी शायद यहाँ पे चेक इन हो या फिर कुछ, बट अभी तक तो यहाँ पे पूरा जाम नहीं मिल रहा है। लेफ्ट में रख, लेफ्ट में ये देख, अभी स्लिप हो जाता है आराम से। लंबा जाम है शायद ये ना, सो ये लॉन्ग वीकेंड हो गया 3-4 डेज का, तो सब ने प्लान किया कि दिल्ली से तो नियर बाय पड़ता ही है, चलो इधर ही चला जाए, हमारे जैसे इतने सारे, हमें तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए बाइक के लिए, बट वो भी स्पेस नहीं मिल रहा है अभी तो देखते हैं। अच्छा ऐसा है, एक बार रोक तो उनको आने देते हैं। हाँ तो ये रीज़न था, ये शायद लैंडस्लाइड का रीज़न था या फिर कुछ नहीं कुछ बन रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी तो, 1x1 है, एक बार में उधर वाले आते हैं, एक बार में इधर से जाते हैं। सो फाइनली वी रीच द होस्टल, एम्बियंस इज़ वेरी नाइस। अभी तो पूरा तो यहाँ हमें एक अभी लॉन्ज है यहाँ पे, अभी हम उसमें बैठे हुए अंदर, उस साइड वहाँ पे डोम है जहाँ पे बैठिंग हुए अपना, और आगे पीछे की साइड और भी है, और भी स्पेस है, आउटर स्पेस भी है बाहर, और बाहर मैच स्क्रीन भी हो रहा है, बट अभी हमें डिनर भी हरना है साथ में, तो इसलिए यहाँ पे बैठे हुए, बाद में घूमते हैं बाहर इधर उधर। तो यहाँ पे पहुँचे थे अभी 9:30 अराउंड, एंड अभी तो टाइम हुआ है 10:15, तो जस्ट हाफ एन आवर समथिंग 45 मिनट्स पहले पहुँचे यहाँ पे, एंड रास्ते में एक यार इशू हो गया,
तो हमने जब चले थे दिल्ली से तो पेट्रोल टैंक फुल कराया था, बट और इवन जब यूपी क्रॉस किया तब तक भी वो ऑलमोस्ट थोड़ा से डाउन हुआ था, बट अभी जब यहाँ पे ऊपर हिल पे आने लगे तो देखा कि एकदम से वो डाउन चले गया, नीचे चले गया, मीन पेट्रोल का इशू हो गया। तो फिर इधर उधर ढूंढते रहे सब पेट्रोल पंप के आसपास, अप टू 25 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला। तो फिर एक लोकल है, उसका अपना था, उसने अपने में से निकाल के दिया, तो यही था। वहाँ से 5 बोतल लिए एक शॉपकीपर से, फिर वहाँ पे अराउंड 500 मीटर दूर नीचे उधर के एक थोड़ा सा वे था, वहाँ पे एक हिल पे जो घर बने होते हैं वहाँ से वहाँ गए, वहाँ से 5 बोतल में पेट्रोल लिया, 1 1 लीटर वाले 5 लीटर्स फिर डाला एंड तब यहाँ पहुँचे। तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हमें वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग गया। तो यही है अभी, तो डिनर करेंगे, अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे सुबह निकलना है। सुबह सोच रहे जल्दी 5 बजे अराउंड यहाँ से चल दे, क्योंकि हमारे पास कल वाला दिन ही है, परसों फिर हमें वापस जाना है दिल्ली, तो जितना भी प्लेसेस कवर हो पाएंगे कल ही कवर हो पाएंगे। तो है यहाँ पे 2 3 प्लेसेस है, सो यू वांट टू सी डेट लेटर इन द वीडियो, द नेक्स्ट वीडियो। सो या अभी के लिए इतना ही।